हरे कृष्णा। तो भगवान नरसिंह देव महामहो आविर्भाव तिथि महामहोत्सव के उपलक्ष्य में हम ये जो 7 दिन रोज एक भगवान नरसिंह देव की अद्भुत कथा का जो प्रोग्राम रखें उसमें आपका स्वागत है। आज उसी क्रम में हम आपको एक और कथा सुनाएंगे मायापुर नरसिंह भगवान की। तो ये बात है 22 अप्रैल 2005। 22 अप्रैल 2005 को 8 वर्ष की जो एक भक्त हैं रेवती सुंदरी देवी दासी मायापुर धाम में जो गृहस्थ सेक्शन है वहाँ पे एक बगीचे में बांस से बने एक कमरे की छत पर चढ़ रही थी। अचानक ही वो छत पे जो चढ़ रही थी तो छत से वो सिर के बल गिर पड़ी और हुआ क्या, वो जो बांस की छत थी वो भी उनके ऊपर आ गिरा। तो इस वजह से 1 घंटे तक तो वो इस डर से इस सदमे से चिल्लाती रही जोर जोर से और फिर बहुत भयानक तरीके से वो डर गई। फिर वहाँ पर जो डॉक्टर थे होम्योपैथी के डॉक्टर, उन्होंने उनका इलाज किया, फिर सीटी स्कैन करने का भी सजेशन दिया। तो वहाँ से फिर 3 दिन के बाद उनको आधी रात में क्या हुआ कि खून की उल्टी आने लगी। तो जब इस तरह से समस्या बढ़ गई तो फिर उनको कलकत्ता ले जाया गया और रास्ते में बड़ा समस्या हुआ, उनके नाक से खून आ रहा था और बड़ा बहुत मुश्किल था, है ना। और वो 8 साल की बच्ची, तो फिर उनको जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है उनके पास ले जाया गया वहाँ कलकत्ता में। और फिर वहाँ पे जो बड़े न्यूरो सर्जन स्पेशलिस्ट सब थे उनको बुलाया गया, सीटी स्कैन कराया गया। तो कई शहर के बड़े बड़े जो न्यूरो सर्जन थे और कई तरह के स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे सबको वहाँ बुलाया गया। पूरी रात डॉक्टर लोग अपना अपने तरह से ट्राई कर रहे थे पर उनकी नाक से जो खून निकल रहा था बंद नहीं हो रहा था, कभी खून कभी कुछ लिक्विड जैसे निकल रहा था बहुत, क्योंकि सिर में चोट आई हुई थी तो दिमाग से आ रहा था वो खून या नाक से था कुछ पता नहीं चल रहा था। तो जब सीटी स्कैन हुआ तो पता चला कि एक्चुअली में उनके जो दिमाग है जो मस्तिष्क है तो वहाँ जो बुद्धि वाला भाग है वहाँ पे कुछ फट गया है और उस फट जाने की वजह से वहाँ से कुछ लिक्विड निकल के जो आ रहा था और उनके वही जो है लिक्विड निकल के आ रहा था और नाक के रास्ते से बाहर निकल रहा था, वहाँ पे वो सूजन आ चुकी थी, ब्लड का क्लॉटिंग भी हो गया था, रक्त जम गया था खून दिमाग में। तो खून जम जाने की वजह से वो जो है बहुत जो ब्लड प्रेशर था वो बढ़ गया था। तो छोटी सी बच्ची थी वो, उसको बहुत समस्या हो रहा था, बहुत कष्ट हो रहा था, है ना, दर्द हो रहा था, लेकिन अभी तक कोई उसकी समस्या में सुधार नहीं हो पाया था। बड़ा नसों के द्वारा उसको दवाई दिया जा रहा था, बहुत प्रयास कर रहे थे और आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो गई थी और वहाँ बिल्कुल अचेत अवस्था में वो पड़ी हुई, कोई रिस्पॉन्स नहीं। बाद में डॉक्टरों ने कहा कि वो फिर अगले दिन एक स्पेशलिस्ट को बुलाएंगे, फिर से स्कैन करेंगे और दिमाग के सारे भागों में देखा जाएगा कि कहाँ कहाँ पर चोट लगी हुई है और घाव को स्पेश पूरा अच्छे से समझा जाएगा। कई तरह के स्पेशलिस्ट आएंगे, न्यूरोसर्जन, वो सब देखेंगे। तो फिर उन्होंने, सभी डॉक्टरों ने पूरा निश्चय लिया कि जब कल और स्पेशलिस्ट आ जाएंगे उनसे डिस्कस करने के बाद हम देखेंगे कि दिमाग न्यूरो सर्जरी दिमाग की सर्जरी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने बताया डॉक्टरों ने कि भाई सुबह 9 बजे जो है हम आपको कुछ बता पाएंगे कि दिमाग की सर्जरी होनी है कि नहीं होनी। तो इन्होंने, इनकी जो माँ हैं जो ये कहानी बताती हैं, उन्होंने हमारे मायापुर के पुजारी श्रीमान पंकजांगरी प्रभु को सुबह सुबह फ़ोन किया, पूरी स्थिति बताई किस तरह से हुआ है और उनसे प्रार्थना किया कि वो नरसिंह भगवान से उनके लिए स्पेशल प्रार्थना करें। तो जब उन्होंने इस तरीके से उनसे कहा तो उन्होंने, प्रभु जी ने सुबह 5 बजे के पहले जो अभिषेक किया और कई तरह से भगवान नरसिंह देव की पूजा की और उनको प्रार्थना किया। और वही समय जहाँ वो मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे, अभिषेक कर रहे थे, भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय यहाँ हॉस्पिटल में स्पेशल स्कैनिंग हो रही थी उस बच्चे की। और जब ये लोग सुबह वहाँ 9 बजे पहुँचे कि डॉक्टर लोगों का क्या डिसीजन है ये जानने के लिए
तो उन्होंने डॉक्टरों से मिला तो वो लोग सब चौंक गए, क्योंकि डॉक्टर लोग बोले कि अभी जो स्पेशल स्कैनिंग किया गया है इससे पता चल रहा है कि सिर में कोई चोट ही नहीं है, और कल तक तो इतनी घाव थे और आज अचानक रात भर में एक चमत्कार जैसा कहें क्या हो गया, डॉक्टर बोला हमें तो समझ में भी नहीं आ रहा, ऐसा एक चमत्कार हो गया कि अचानक सारी चोट ठीक हो गई है, स्कैनिंग में कुछ नहीं आ रहा है, दर्द ठीक हो गया है, नाक से जो खून बह रहा था वो भी ठीक हो गया है ना, दिमाग में जो क्लॉटिंग थी वो भी ठीक हो गया है ना, जो उल्टी हो रही थी वो भी ठीक हो गया। तो इस तरीके से उनकी माँ कहती है, जब मैं उनसे मिलने गई तो वो लड़की, वो बच्ची आराम से लेटी हुई थी और उसकी आंखें बड़ी चमक रही थी, और उसकी आंखें बिल्कुल ऐसे लग रही थी बिल्कुल चमकदार फ्रेश, और आंखों का रंग सफ़ेद हुआ था तो वो भी अभी नॉर्मल हो गया था, बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। तो इस तरीके से उनको समझ में आ गया कि जो भगवान नरसिंह देव से उन्होंने प्रार्थना की, जो उनकी पूजा की गई सुबह सुबह, भगवान नरसिंह देव ने तुरंत अपने भक्त पर चमत्कार किया और उनका ये जो कष्ट था वो दूर कर दिया। ओके, तो इस तरीके से हम देखते हैं। फिर वो माता जी कहती हैं कि आगे बार से उन्होंने कहा, वो बच्ची के अगली बार से कुछ हो जाए तो आप फालतू में अस्पताल में जो है समय व्यर्थ न गंवाएं, सीधे मेरे को भगवान नरसिंह देव के पास ले जाएं, भगवान नरसिंह देव हमारा हमेशा कल्याण करेंगे। तो इस तरीके से भगवान नरसिंह देव अपने भक्तों पर हमेशा कल्याण करते हैं। एक बार एक भक्त ने फ़ोन किया और वो बताए कि उनको कुछ तो रात में एक घटना घटी उनके साथ। क्या हुआ? वो भक्त कहते हैं कि मेरे को एक बार रात में, वो जिस दिन ये घटना घटी है उसके 7-8 दिन के बाद उन्होंने मेरे को फ़ोन किया। तो वो कहते हैं कि रात में जब वो सो रहे थे, यानी कि 7 दिन पहले जो फर्स्ट डे हुआ, तो वो सो रहे थे तो उनको रात को एक सपना आया खतरनाक, और वो एक बहुत से बड़े महल में है, और अचानक से उनको ऐसे कुछ लगा कि वो एक महल में पहुंच गए हैं, सुनसान है, अकेला है, और उस सुनसान अकेले महल में वो अंदर जा रहा है और अचानक से कोई उनके कान में आके बोलता है कि तुम यहाँ आ गए हो, बहुत दिनों बाद आए हो, ऐसे करके डर गया। और अचानक से वहाँ पे किसी ने उसको धक्का दिया और उसको पीछे से बेल्ट उसका पकड़ के उठा दिया, तो उसको फेंकने वाला था, क्या करने वाला था, अचानक से वो कुछ करे, उसको जैसे उठा दिया तो एकदम से उसकी नींद खुल गई डर के मारे। तो जब नींद खुल गई तो उसको लगा रहे चलो सपना था, लेकिन उसने नोटिस किया कि सपना तो था लेकिन जहाँ पे सपने में किसी ने उसको पकड़ा था पीछे से बेल्ट के पास से, वहाँ पे उसको बड़ा जलन सा हो रहा है, कुछ ऐसे स्क्रैच जैसा दर्द हो रहा है, जैसे किसी ने स्क्रैचिंग की हो, है ना, नोचने जैसा दर्द हो रहा है। तो उसको बड़ा ऐसे लगा कि कौन, मतलब ऐसा कैसे सपने में था पर दर्द कैसे हो रहा है। तो बेचारा डर गया। फिर अगले दिन फिर से वैसा ही हुआ, तो अगले दिन उसको घुटनों में नोचा किसी ने, तो घुटने में भी बड़ा दर्द सा हुआ, लेकिन होता सपने में था पर दर्द असली में हो रहा था, तो डर गया बेचारा। ऐसे करके रोज़ हुआ, 4-5 दिन हुआ, तो फिर उसने अंत में मेरे को फ़ोन किया। तो जब उन्होंने फ़ोन किया तो बताया, तो उनको हमने बताया कि आप भगवान नरसिंह देव का कवच पढ़िए रात्रि में सोने से पहले, और अच्छे से स्नान करके आप भगवान नरसिंह देव का कवच पढ़िए, और जो है भगवान नरसिंह देव का फ़ोटो अपने पास रखिए और उनसे प्रार्थना कीजिए, और इस तरीके से अपना शुद्धि का ध्यान दीजिए, भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करते हुए आप सोइए। तो उस रात उन्होंने भगवान नरसिंह देव का कवच पढ़ा और जो मंत्र है उसको पढ़ा, उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतो मुखम नरसिंहम भीष्णम भद्रम मृत्यु और मृत्युम नमाम्यहम। इस मंत्र को उन्होंने 108 बार जप किया उस रात को, और इस तरीके से फिर वो इस मंत्र को ऑडियो में चला के सो गए और रात भर सोते रहे, और सुबह जगे उन्होंने तुरंत मेरे को फ़ोन किया, बोले आज कुछ नहीं हुआ, इतने दिन से हो रहा था आज कुछ नहीं हुआ। फिर अगले दिन भी उन्होंने वही किया, बोले आज भी कुछ नहीं हुआ। इस तरीके से वो करते गए और आज तक उनको इस तरह से भी कोई समस्या नहीं हो रही है। रोज़ वो भगवान नरसिंह देव का कवच पढ़ के सोते हैं और अच्छे से भगवान नरसिंह देव का प्रार्थना करते हैं। तो
तो इस तरीके से हम देख रहे हैं भगवान नरसिंह देव बहुत दयालु हैं, हमेशा अपने भक्तों पर जो है कृपा करते हैं, उनकी हर तरीके से रक्षा करते हैं। सभी दिशाओं से भगवान नरसिंह देव अपने भक्त को रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं, और साथ ही साथ फिजिकली शारीरिक तौर पर रक्षा तो करते ही हैं, बल्कि हमारी चेतना की भी रक्षा करते हैं, ताकि हमारी चेतना कहीं और भौतिक कामों में न लगे। हमारी चेतना हमेशा कृष्ण चरण में, भगवान कृष्ण के नाम कीर्तन में, कथा श्रवण में लगी रहे। तो श्रवण कीर्तन में हमारा चेतना हमेशा लगा रहे, इस बारे में भी भगवान नरसिंह देव हमारी चेतना की रक्षा करते हैं। हरे कृष्ण, आज के लिए इतना ही।